हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवल फन रिपीट। आज हम आपको ले चल रहे हैं उत्तराखंड के फेमस हिल स्टेशन ओली, जहां पे आपको मिलेगी स्नोफॉल, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ट्रैकिंग और पास में ही है बद्रीनाथ टेंपल। ये सब कुछ पॉसिबल है, वो भी सिर्फ एक वीकेंड में। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स कृपया ध्यान दें, ट्रैवल फन रिपीट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप चैनल की कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो गाइज, इस वीडियो में आप देखेंगे प्लेसेस टू विजिट इन ओली, डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस एडवेंचर एक्टिविटीज एट दिस प्लेस लाइक स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, यहाँ की केबल कार के बारे में, हाउ टू रीच ओली, ओली तक कैसे पहुंचे ये भी हम आपको बताएंगे, बिकॉज यहाँ के लिए कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। यहाँ पे अवेलेबल फूड ऑप्शन, वेयर टू स्टे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस ट्रिप का अप्रोक्सीमेट बजट भी। ओली में ट्रैकिंग भी होती है तो हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी कि ओली में घूमने और करने को क्या क्या है। विंटर सीजन में यहाँ पे हैवी स्नोफॉल होती है एंड समर्स में वेरियस ट्रैकिंग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, विच मेक्स इट इवन मोर इंटरेस्टिंग। इसीलिए ओली इज ऑल सीजन फेमस एडवेंचर लवर्स डेस्टिनेशन। और ओली के टूरिज्म की लाइफलाइन है यहाँ का रोपवे। इस रोपवे में 10 पॉइंट्स या स्टेशंस हैं। इस रोपवे के पॉइंट नंबर 8 पे स्कीइंग एंड अदर एडवेंचर एक्टिविटीज होते हैं। मोस्टली लोग यहीं पे उतर जाते हैं, बट आपको हैवी स्नो देखना है तो लास्ट पॉइंट जो कि पॉइंट नंबर 10 है वहां तक आप जा सकते हैं। अगर हम पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 10 को कंपेयर करें, वी कैन सी कि पॉइंट नंबर 8 ज्यादा कमर्शियलाइज्ड है, तो यहां पे आपको रुकने और खाने के कंपैरेटिवली ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये तो बात हुई एडवेंचर स्पोर्ट्स की, लेकिन ओली में करने को और बहुत कुछ है। मोस्ट पॉपुलर ट्रैकिंग ऑप्शंस इन ओली आर गौरसन बुग्याल ट्रैक विच इज 3 किलोमीटर और छतरकुन ट्रैक जो कि 4 किलोमीटर है ओली से। ये ट्रैक्स आप 3 से 4 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। इस ट्रैकिंग पे जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि आप कोशिश करें कि सुबह 8 से 9 बजे तक ट्रैक स्टार्ट कर दें, जिससे कि आप टाइमली ट्रैक को कंप्लीट करके वापस आ जाएं। सुबह लाइट ब्रेकफास्ट करके ही निकलें एंड अपने साथ एक पानी की बॉटल और कुछ स्नैक्स लाइक बिस्किट्स, चिप्स, ये सब जरूर रखें। और अब जब आप ओली तक आए ही हैं, तो अगर एक दिन आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप बद्रीनाथ धाम भी जा सकते हैं, जो कि हिंदू रिलीजन के 4 धाम में से एक है। इसके बारे में डिटेल्स हम आपको अभी इस वीडियो में आगे बताएंगे। और एक और चीज है ओली में जो आप घूम सकते हैं, दैट इज मैन मेड आर्टिफिशियल लेक, तो आप वहां भी घूमने किसी टाइम जा सकते हैं। ओली पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको जोशी मठ आना होगा। जोशी मठ पहुंचने के लिए आप शेयरिंग जीप या फिर बस ले सकते हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और हल्द्वानी से, जिसमें आपका करीब 1 से 1.5 हजार रुपए पर पर्सन का खर्च आएगा और टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स। तो अगर आप सुबह टाइमली स्टार्ट करते हैं तो रात होने से पहले जोशी मठ तक आप पहुंच जाएंगे। मॉर्निंग से इवनिंग तक बसेस काफी इजीली अवेलेबल रहती हैं एंड बेस्ट इज कि आप इन बस टिकट्स की बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप हरिद्वार से रेंटल कार लेके जा सकते हैं, जिसके करीब 10 से 15 हजार लगेंगे। अगर आप 4 से 5 लोगों के ग्रुप में जाते हैं तो रेंटल कार बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें अराउंड 4 से 5 हजार पर हेड पड़ेंगे। और अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं और अपनी स्कूटी या बाइक से या रेंटल स्कूटी या बाइक से आते हैं तो भी ऑलमोस्ट 4 से 5 हजार ही लगेंगे आपके। तो ये हमने आपको ऑप्शंस बताए जोशी मठ तक पहुंचने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बद्रीनाथ धाम के बारे में भी बताया था। तो अगर आप जोशी मठ तक पहुंच जाते हैं, वहां से केवल 44 किलोमीटर है बद्रीनाथ धाम, तो अगर आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है तो बद्रीनाथ धाम जरूर विजिट कीजिए, बिकॉज आपका कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है। पहाड़ों में मेन जो एक्सपेंडिचर होता है वो ट्रांसपोर्टेशन या ट्रैवलिंग का ही होता है। तो अब चलते हैं जोशी मठ से ओली। यहां पहुंचने के लिए केबल कार के थ्रू आप जा सकते हैं। इस केबल कार से आपको सिर्फ 25 मिनट से आधे घंटे ही लगेंगे और आप ओली पहुंच जाएंगे। इसका टिकट 1000 रुपए है राउंड ट्रिप के लिए। केबल कार टिकट की वैलिडिटी 3 दिन की होती है, जिससे कि आप ओली ट्रिप कंप्लीट करके सेम टिकट पे वापस आ पाएं। टाइम की बात करें तो मॉर्निंग 9:15 से इवनिंग 4:20 तक जोशी मठ से अप्रोक्सीमेटली हर आधे घंटे पे केबल कार अवेलेबल होती है। और अगर आप केबल कार से डरते हैं
तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप जीप लेकर मिड पॉइंट जो कि GMVN होटल है वहां तक जा सकते हैं, एंड वहां से आपको बचा हुआ रास्ता ट्रैक करना होगा, बट ये रास्ता स्नोफॉल के टाइम बंद हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ के स्टे ऑप्शंस की। क्योंकि ओली एक रिमोट लोकेशन है इसलिए यहाँ स्टे करने के ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड हैं। अगर आप बजट ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इट्स एडवाइजेबल कि आप जोशी मठ में ही होटल्स लें, बिकॉज जोशी मठ में कम प्राइस में बेटर होटल्स आपको मिल जाएंगे। बट अगर आप ट्रैकिंग के मूड से जा रहे हैं या फिर ओली में ही रुकना चाहते हैं तो GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम जो कि एक गवर्नमेंट होटल है उसमें रुक सकते हैं या फिर किसी और होटल में रुक सकते हैं, बट प्री बुक करके जरूर जाइए बिकॉज यहाँ पे ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। हमने यहाँ के नंदा देवी इको कॉटेजेस में स्टे किया था जहाँ पे रेट्स के अकॉर्डिंग काफी अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल थी। इंटीरियर ऑफ द कॉटेज वॉज अमेजिंग एंड अगर आप ग्रुप में हैं इवन देन यू विल लव इट बिकॉज इट्स वेरी वेरी स्पेशियस। और ओली में इलेक्ट्रिसिटी कट की कभी कभी प्रॉब्लम होती है तो गाइज यहाँ पे अपने साथ एक टॉर्च या एटलीस्ट पावर बैंक जरूर कैरी करें। बात करें बेस्ट सीजन की तो अगर आपको स्नोफॉल देखनी है तो नवंबर से मार्च के बीच में आप ओली घूमने जाएं। ओली इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है आपकी समर वेकेशन के लिए भी, तो चाहे समर हो या विंटर दोनों टाइम आप जा सकते हैं, बस स्नोफॉल स्पेसिफिकली देखने के लिए नवंबर टू मार्च। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि मॉनसून सीजन आपको अवॉइड करना है, मींस जून टू अगस्त के बीच में यहाँ आना आप अवॉइड करें बिकॉज उस वक्त ट्रैक करना काफी रिस्की होता है। ओली का नियरेस्ट एयरपोर्ट है देहरादून, तो अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं फ्लाइट से तो नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून पड़ेगा आपके लिए, और रेलवे यानी कि आप ट्रेन से आते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज हरिद्वार। और गाइज एक गुड न्यूज है, बिकॉज ऑफ योर लव एंड सपोर्ट हमारी सब्सक्राइबर फैमिली अब मोर देन डबल हो गई है, वो भी विद इन अ ईयर। सो कीप लविंग अस एंड सी यू सून इन अनादर इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियो। व्यूअर्स कृपया ध्यान दें, ट्रैवल फन रिपीट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आप चैनल की कोई भी वीडियो मिस ना करें।